है, चौकीदार ही चोर हो गए। हम तो चौकीदार को तनख्वाह दे के उसको बिठाते हैं गेट पे, वो बदमाशी करके चोर और बलात्कार करवा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील कल या परसों आएंगे भारी तादाद में, तो न्याय मिलेगा सर सुप्रीम कोर्ट? 100% न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में, जब तक चीफ जस्टिस चंद्रचूड है न्याय। ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी दिल्ली पुलिस आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, सवाल ये उठता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब महिला खिलाड़ी पहुंचती हैं तब ये पता चलता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर अब एफआईआर होगी, यानी कि आप समझ सकते हैं एक एफआईआर के लिए तमाम महिला खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के खुद वकील यहां पर खुलासा कर देते हैं, केंद्र की सरकार को जो है जमकर घेरते हैं और ये बता देते हैं कि आखिर केंद्र की सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों बचा रही है, तब पता चलता है कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह का होगा क्या। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बड़ा खुलासा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बता दिया कि आखिर कैसे यहां पर महिला खिलाड़ियों को न्याय मिलकर रहेगा। सुनिए आप इस वीडियो को। नहीं, इस देश को बेकार बनाया जा रहा है, और बेकार कौन वो लोग बुला रहे हैं जो सत्ता में रहना चाहते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों। सर, कहा जा रहा है कि काफी उनका रसूख है पार्टी में, चुनावों में उनके हटने से दिक्कत हो सकती है भाजपा को, तो ऐसे में कोई मुश्किल है? क्या रसूख है? समाज भी समाज को पैसे से, जाति से, धर्म से बांट के और पैसे का मिसयूज करके गरीबों की गरीबी का नाजायज फायदा उठा के काहे का रसूख है? अन्यायकारी का, बलात्कारी का कोई रसूख है? रावण का कितना रसूख था? आगे भी आपको लगता है कि इसी तरीके से लगता है कि किसान आंदोलन की तरह इसमें भी? ये किसान आंदोलन तो कुछ भी नहीं इसके आगे, ये बहुत बड़ा आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है। एक एक बाप जिसकी बेटी घर में है, एक एक भाई जिसकी बेटी इस तरह की उम्र में है, एक एक दादा दादी जिनके घर में बच्चियां हैं, सबके सब इस मामले से जुड़े हुए हैं। ये देश गिरफ्तारी की मांग करता है अमित शाह की और प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि उनके अंडर में पुलिस सही काम नहीं कर पा रही। कोई बीजेपी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही अभी तक? बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देगी? चोर को दबाने वाले लोग, चोर को छुपाने वाले लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे? अपराधी को छुपाने वाला लोग प्रतिक्रिया देगा क्या? लेकिन कई महिलाएं भी हैं सर, जो जैसे कि पीटी उषा थी, उन्होंने भी आरोप लगा दिया कि इनको सड़कों पे नहीं उतरना। अरे पीटी उषा की क्या औकात है? इस देश का कर्मचारी बोल सकता है क्या? वो भी एक कर्मचारी है, क्या औकात है पीटी उषा की? छोटी है क्या? जिसको भी थोड़ा लॉलीपॉप मिलता है कोई बोल सकता है क्या? इस देश के बड़े बड़े नेता नहीं बोल पा रहे? इनकम टैक्स आईडी ईडी फलाना डिगड़ा ये कर लेते हैं, ये बोलेगा तो आम आदमी बोलेगा, आप और हम बोलेंगे और आप और हमारी संख्या ज्यादा है। ये राजनीति का कोई प्रोग्राम नहीं है इसमें, इसमें कोई राजनीति नहीं है, मगर जो राजनीति करते हैं लोग भाई, वो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, वो आएंगे यहाँ पे। या बीजेपी वालों को आने से कोई रोकता है क्या? अरे हम बीजेपी के वोटर रहे हैं, समर्थक रहे हैं, मैं आज यहाँ हूँ। हमारी औकात बीजेपी की वजह से नहीं है, हमारी वजह से बीजेपी की औकात है, ये समझना पड़ेगा। ये बिजली पानी बंद करना बिल्कुल गैरकानूनी था। ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरमैन है अरुण मिश्रा जज, जो बिल्कुल रबड़ स्टैंप है सरकार का, उसको काम करना चाहिए था, बिल्कुल पड़ोस में बैठा है, उसी बात की तनख्वाह दी जाती है उसको, इसी बात के लिए बिठाया है। चौकीदार ही चोर हो गए। हम तो चौकीदार को तनख्वाह दे के उसको बिठाते हैं गेट पे, वो बदमाशी करके चोर और बलात्कार करवा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील कल या परसों आएंगे भारी तादाद में, तो न्याय मिलेगा सर सुप्रीम कोर्ट? 100% न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में, जब तक चीफ जस्टिस चंद्रचूड है न्याय 100% मिलेगा। सर, क्या कारण लग रहा है आपको कि आज कोर्ट छोड़ के वकीलों को, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को आज धरने पे आना पड़ा? अरे भाई, हम जब अपने सुप्रीम कोर्ट की बार में टीवी पे देखते थे बच्चे पदक जीत रहे हैं, और जब देखते थे प्राइम मिनिस्टर भी बैठ के बातें कर रहे हैं, सारा देश खुश था। तो क्या मान लिया जाए कि आज बीजेपी अम्बेडकर के कदमों पर नहीं चल रही है? बीजेपी काहे के अम्बेडकर के कदमों पर चल रही है? बिल्कुल खिलाफ चल रही है बीजेपी तो। बीजेपी तो अम्बेडकर को पसंद ही नहीं करती। लोकतंत्र की हत्या है 100%। ये लोकतंत्र नहीं है, इसको कहते हैं हम शासन। शासन का मतलब ये होता है जहाँ लोगों को विभाजन करके बांट के, जाति में, धर्म में, गरीब में, अमीर में, और कुछ परसेंट वोट लेके सत्ता में बैठने का जुगाड़ है, उसका नाम है शासन। लोकतंत्र वो होता है, लोकतंत्र वो होता है, चाहे हमारा कोई भी सिस्टम हो नेता चुनने का, एक बार बना दिया तो उसको 100% लोगों की भागीदारी करनी है, 100% लोगों की बात करनी है, उसका नाम है लोकतंत्र। यहाँ तो आप लोगों ने देखा होगा, संसद के अंदर ही, राज्यसभा में, लोकसभा में, एमपीओ का तौर तरीका क्या है?
मेरे को तो सारे गुंडे लगते हैं ज़्यादातर, बोलने की तमीज़ उनको नहीं, बोलने की तहजीब उनको नहीं, सारे झूठे एफिडेविट देते हैं, इलेक्शन में ज़्यादा खर्चा करते हैं। हम तो मांग करेंगे यहाँ पे आके कि हर एमपी का एफिडेविट नहीं चलेगा अब देश में, सुनो, हर एफिडेविट नहीं चलेगा देश में अब कि मैंने इतना खर्चा किया। उनको झूठ पकड़ने वाली मशीन पे लिटाएंगे तो एमपी बनेगा वो, वरना नहीं बनेगा। तो देखना इस देश का प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, सबकी सदस्यता भंग हो सकती है इस देश में। सारे चोरू चक्के हैं, सारे चोरू चक्के हैं। ये देश को रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलने नहीं देना चाहते। ये क्या चरित्र बनवाएंगे हमारे युवाओं का जब इस तरह के काम करें? युवाओं में क्या मैसेज जाएगा कि इस देश में रूल ऑफ लॉ नहीं है? 100% अब देख लीजिए, बिल्कुल ये अस्मिता बिल्कुल महफूज नहीं है। लुटियन जोन को हम लूट जोन कहते हैं, इनकी गिद्ध दृष्टि होती है। जो इसके पास भी पावर होती है वो होती है लोगों के लिए, ये उसका मिसयूज करते हैं। ज़्यादातर नेता इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं, अगर जांच हो तो इस देश में। जाति और धर्म के जो मुद्दे में ये फंसने वाला नहीं है, फंसाने की कोशिश है इस देश का युवा। बीजेपी यहाँ पर तमाम जो एजेंसियां उनका दुरुपयोग कर रही है, आपने जाँच की बात की, फिर भी जाँच नहीं होती है। जाँच को कैसे होगी जब गृह मंत्री जाँच नहीं होने देगा? पुलिस की क्या औकात है? पुलिस कमिश्नर की क्या औकात है? कुछ भी औकात नहीं है। ये कोई सत्यपाल मलिक जैसे गवर्नर नहीं है, ये कोई टीएन सेशन जैसे पुलिस कमिश्नर नहीं है कि जिनकी वजह से पूरा संस्था देश की नज़रों में अच्छी हो जाती है। आदमी वो चीज़ है जो संस्था को ख़त्म कर देते हैं और जो जनता संस्था को सुशोभित करते हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं रुकेगी, तो क्या इससे लगता है कि उनको ईडी सीबीआई की पहली जाँच तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और उसकी पूरी कैबिनेट की होनी चाहिए, और इन्होंने जो एफिडेविट दिए हैं इलेक्शन में जो खर्चे के, इनकी जांच सबसे पहले होनी चाहिए, फिर पूरा देश तैयार है, ये जैसे कहेंगे ऐसे करेंगे। सत्यपाल मलिक ने जो बोला सर, आपको लगता है कि एकदम सही बोला है जिन्होंने भ्रष्टाचार का भी कहा कि 100% इसमें कोई गुंजाइश है क्या? आप पूछो अपने दिलों से, बात सुनो, सबूत जब दिए जाते हैं, जब झूठ हो, सच्चाई जब होती है पूरे देश की जनता के दिल में टच करती है। आज वो टच करना चाहिए था, आप तो मुंह खोल रहे हैं जब बीजेपी पार्टी छोड़ दी है, ये अमित शाह बोल रहे हैं। अब ये तो रेपिस्ट भी कहेगा, ये तो रेपिस्ट भी कोई कहेगा कि पहले बोलना चाहिए था। अरे आप, मेरे को तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के पत्रकारों की बता रहा हूँ, सारे चैनलों के पत्रकार वहाँ बैठे हैं, उनसे हमारी बात हुई एक प्रोग्राम के लिए। बोले सर हम बंधुआ मजदूर हैं, हम बोल नहीं पाते, आपके प्रोग्राम में आना चाहते हैं, हमने राइट टू एक्सप्रेशन पर प्रोग्राम किया था सुप्रीम कोर्ट में, हम आना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, मन है, मगर हमें तो ये भी चैनल से पूछना पड़ेगा हम बंधुआ मजदूर हैं। मैंने कहा असली में बंधुआ मजदूर हो? यूनानी मसली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहां पत्रकार देखा जाएगा हर जगह, तो देश तो खत्म ही हो रहा है। कैसे खत्म होगा? क्योंकि मीडिया पर दबाव, एजेंसियों पर दबाव, यहां पर हर जगह दबाव है, दबाव रहेगा तो देश तो फिर खत्म ही है। ये दबाव फ्रांस में था, फ्रांस क्रांति हुई, ये दबाव रूस में था, रूस में क्रांति हुई, ये दबाव इस देश में होगा? यहाँ के बेवकूफ़ हैं क्या लोग, ये भी करेंगे? ये अपने लोगों पर विश्वास करते हैं, हम अपने देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, इन सब पे विश्वास करते हैं, वो विश्वासघात कर रहे हैं। सर एक सवाल उठाया जाता है हमेशा से चुनाव आयोग पर, ये कहा जाता है कि चुनाव आयोग भी जो है कहीं ना कहीं अब बीजेपी सरकार के दबाव में काम कर रहा है, इससे आप सहमत हैं? सारी संस्थाएं गुलाम बना ली गई हैं और सारी सरकारें, ज़्यादातर पार्टियां उनको गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। इस बार इस सरकार में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। सर बीजेपी को फिर कैसे उखाड़ेंगे अगर तमाम चीज़ें उनके दबाव में काम करें, तमाम संस्थान उनके दबाव में काम कर रहे हैं, तो बीजेपी को उखाड़ नहीं पाएंगे? जब जनता को फीलिंग पहुंचेगी अन्याय की, सब कुछ उखड़ जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं। मैं और आप दो आदमियों से करने से कुछ नहीं होगा, ये देश की फीलिंग ऐसी चीज़ है जो पहुँच जाती है। बहुत सारी बातें हम छुपाते हैं, छुपाने से बात नहीं चलती, चेहरा मुँह से भी ज़्यादा बोलता है। ये कुछ नहीं है, ये इस शरण के साथ में, शरण की शरण में जाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी उसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। सर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो लड़कियां हैं, इन्होंने ये दीपेन हुड्डा को WI पर अलग कर सुनाना चाहती है इस वजह से। अरे चोर तो जब चोरी करके भीड़ में घुसता है, जब लोग उसके पीछे लगते हैं, वो भी कहता है चोर 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 पीछा छुटाने के लिए, क्या दीपेंद्र हुड्डा करेगा इसमें? क्या दीप नहीं नहीं नाम भी सामने आ रहा है, विनोद तोमर का भी नाम सामने आ रहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ विनोद तोमर का भी नाम सामने आ रहा है कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं उन पर भी FIR दर्ज हुई है, क्या कुछ कहेंगे कि क्या पूरा सिस्टम ही गड़बड़? मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता।
तो देखा आपने इस वीडियो को, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने खुलासा कर दिया और ये बता दिया कि ब्रजभूषण शरण सिंह को आखिर बचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। ये भी बता दिया कि चौकीदार कौन है और चौकीदार जो चोरी कर रहा है वो क्यों कर रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों ने यहाँ पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया तमाम खिलाड़ियों को सपोर्ट कर दिया है और ये कह दिया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करवा कर रहेंगे और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है इस्तीफा दिलवा कर रहेंगे। क्योंकि दर्शकों आपको याद होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार फेसबुक लाइव कर रहे हैं, लगातार जो है यहाँ पर केंद्र की सरकार की तारीफ कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह दें या फिर अमित शाह कह दें तो इस्तीफा सौंप देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र की सरकार अभी मूक दर्शक बनी हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगला रुझान क्या होगा ये देखना पड़ेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट में तमाम महिला खिलाड़ी सबूत पेश कर देंगी ये भी देखना पड़ेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।